रीवा जिले में इन दिनों गुंडा राज कायम है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि आए दिन लूट, चोरी, अपहरण, मारपीट की घटनाओं के साथ हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन ना तो अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा पा रहा है और ना ही इन गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा पा रहा है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जिले के लोग दहशत में अपना जीवन जी रहे हैं। ताजा मामला अमहिया थाना क्षेत्र के सिरमौर चौक के पीछे एक अधिवक्ता के घर में घटित हुआ है, जहां समझौता करवाने के नाम पर बुलाकर प्रॉपर्टी डीलरों का अपहरण हुआ और उनकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, हाथ पैर के नाखून तक नोचकर अलग कर दिए गए। हद तो तब हो गई जब इन्हीं गुंडों के अपराधी साथियों ने घायलों को यह कहकर अस्पताल में भर्ती कराया और बयान देने के लिए मजबूर किया कि वह मारपीट की घटना ना बताकर सड़क दुर्घटना बताएं। पीड़ितों ने किस तरह अपनी जान बचाने के लिए सड़क दुर्घटना बताया, वह भी जब उपचार नहीं हुआ और आरोपी वहां से भाग निकले तो परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने उपचार के लिए दूसरी अस्पताल में पहुंचाया है, जहां निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। दरअसल जयप्रकाश पटेल एवं राकेश रतन पटेल निवासी संजय नगर शिल्पी सीमेंट रोड उत्सव मैरिज गार्डन के पास के रहने वाले हैं। दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिनके द्वारा करोड़ों की पूंजी लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसी जमीन को हरगेन सिंह के द्वारा भी लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उसी समय उन्होंने धमकी दी थी और कहा था कि देखते हैं कैसे व्यवसाय करोगे। 16 अगस्त को जयप्रकाश पटेल और राकेश रतन सिंह घर से अपनी कार लेकर निकले। इसी बीच इनके पुराने मामले की पैरवी कर रहे सिरमौर चौराहे के पास स्थित पोस्ट ऑफिस के पीछे रहने वाले अधिवक्ता नवीन तिवारी के द्वारा यह कहकर बुलाया गया कि आप घर आ जाइए, आपका जो विवाद चल रहा है उसमें वह समझौता करा देंगे। दोनों व्यक्ति जैसे ही अधिवक्ता नवीन तिवारी के घर पहुंचे तो देखा वहां पहले से ही ऐश्वर्य राज सिंह उर्फ सानू बैठा था। दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई और कुछ ही समय के बाद ऐश्वर्य राज सिंह ने मैसेज कर अपने अन्य आधा दर्जन साथियों को बुला लिया। मौके पर पहुंच दो गाड़ियों में पहुंचे विनय सिंह बघेल, पवन द्विवेदी, पीयूष मिश्रा ने दोनों व्यवसायियों को गाली गलौज करते हुए पिस्टल की नोक पर अपनी स्कॉर्पियो और सियाज गाड़ी में बैठा कर संजय नगर के पीछे सुनसान इलाके में ले गए और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ितों के नाखून तक उखाड़ दिए। पीड़ितों ने बताया कि उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि गोली उनको नहीं लगी और जान बच गई। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों के द्वारा पहले भी धमकी दी गई थी और 20 लाख रुपए गुंडा टैक्स की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस स्थान पर तभी कार्य कर पाओगे जब 20 लाख रुपए उन्हें गुंडा टैक्स के रूप में दोगे। पीड़ितों ने बताया कि मारपीट करने के बाद आरोपियों का एक और साथी आशीष शुक्ला अपने अन्य साथियों के साथ पहुंचा और घायलों को जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर में लोड कर रीवा हॉस्पिटल ले गया, जहां यह कहकर भर्ती करवाया कि सड़क दुर्घटना में घायल हैं। साथ ही धमकी दिया कि अगर यह बयान दोगे कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए हो तभी उपचार होगा, अन्यथा ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। पीड़ितों ने अपनी जान बचाने के लिए सड़क दुर्घटना बताया, लेकिन जब समय पर उपचार नहीं हुआ और घर के लोगों को भी दोनों घायलों के वापस घर ना पहुंचने पर चिंता हुई तो परिवार के लोगों ने फोन किया। फोन उठाने वाले ने बताया कि दोनों रीवा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। घटना की जानकारी लगते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और भागते हुए रीवा अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत देखकर वह भी अचंभित रह गए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई तो अमहिया पुलिस ने लखन प्रसाद पटेल की शिकायत पर ऐश्वर्य राज सिंह उर्फ सानू, विनय सिंह बघेल, पवन द्विवेदी तथा पीयूष मिश्रा के खिलाफ 365, 294, 323, 506 और 34 की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया। जबकि पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों का साथी आशीष शुक्ला अपने अन्य लोगों के साथ भी मौजूद था, जिसके द्वारा जेसीबी मशीन से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था और धमकी दी जा रही थी कि इस घटना को मारपीट न बताकर सड़क दुर्घटना बनाएं। इतना ही नहीं, पुलिस उक्त मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके चलते अभी भी उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि जिले में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस राजनेताओं के दबाव में आकर सामान्य व्यक्तियों के खिलाफ साधारण से मामलों में भी जिला बदर जैसे बड़ी कार्यवाही कर देती है, लेकिन गुंडा मवालियों को खुला संरक्षण दे रही है। इन दिनों रीवा संभाग में एडीजी के साथ सीनियर एसपी की पदस्थापना की गई और इसके बाद भी अपराधों में बाढ़ सी आ गई है।
एक तरफ जहां नेता अधिकारियों और सामान्य व्यक्तियों के ऊपर खुलेआम लाठी डंडे बरसा रहे हैं, वहीं सातीर अपराधी सीना तान कर चलते हुए व्यवसायी और सामान्य व्यक्तियों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों घायलों को, जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस समय रीवा में क्या वाकई गुंडा राज कायम है। हम लोग वकील साहब के यहाँ गए हुए थे। वकील साहब का नाम वहाँ पे हम लोगों को बुलाया था और वहाँ पे हम लोग गए थे, बोले आ जाइए आप लोगों के बीच जो भी गड़बड़ी चल रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के हमारे यहाँ आप लोग सुलझा लीजिए। तो वहाँ पे पहले से गए हुए थे ऐश्वर्य राज सिंह, हम और राकेश रतन सिंह उनके यहाँ गए, हम लोगों की बात से शुरू हो रही थी, थोड़े बहुत बात हुई। उसके बाद ऐश्वर्य राज मैसेज करके विनय सिंह, पवन द्विवेदी और एक लड़का पीयूष मिश्रा, ये लोग आए, हमें अंदर से घसीटते हुए मारते हुए गेट के बाहर ले गए और वहाँ पिस्टल से हम लोगों के ऊपर तान के गाड़ी के अंदर जो गाड़ी क्रमांक MP-17 CC-4681 थी, जो सानू उर्फ ऐश्वर्य राज की थी, और एक स्कॉर्पियो थी जिसमें राकेश रतन जी को बंदूक की नोक पर ये लोग ले गए। ये आपका बांध है, संजय नगर में पड़ता है समान बांध, जिसको खसकलमी बांध भी बोलते हैं, वहाँ ले जाकर हमको लाठी डंडे राड से बहुत सारा पीटे हैं, हमारे ऊपर फायर भी किए थे। वो तो एक गनीमत थी कि मैं दाएं बाएं हो गया तो बच गया। और उसके बाद ये लोग वहाँ पे हमें बोल रहे थे कि तुम लोग अगर हमें फिरौती के रूप में पैसे नहीं दोगे, हम लोगों की साइड है यहाँ लोही में लिए थे, वहाँ बोल रहे थे कि आप लोग काम नहीं करने पाओगे, बोले 20 लाख रुपए दो तभी हम आपको छोड़ेंगे। और रास्ते में बोल रहा था विनय सिंह, लोही में हम लोगों ने ज़मीन ली हुई है, उसमें हरिगेंद्र सिंह वो भी लगे हुए थे, उनको ज़मीन नहीं मिल पाई थी और वो हम लोगों को धमकी दे रहे थे, बल्कि साइड में भी हमारे गए हुए थे। हम लोगों ने करीब वहाँ करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, तो हम लोगों को मार डरा धमका रहे थे, बोले आप लोग यहाँ साइड नहीं कर पाओगे, जो भी पैसे वो किया है अपना वो कर लो, वो यहाँ साइड हम लोग ही करेंगे। नवीन तिवारी जी के घर में थे। हाँ बिल्कुल संदिग्ध है सर। पुलिस की कार्रवाई से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पे सर जब हम लोग, मेरे को तो इतना मार दिए थे कि मेरे को होश नहीं था, फिर वहाँ पे JCB वाला ट्रैक्टर था उस पर मेरे को लोड किए थे, वो पानी मेरे ऊपर डाला तब तो मेरे को होश आया, मैं देखा कि लोड करके ले जा रहे हैं रास्ते में। फिर वहाँ पे एक गाड़ी आई जो आशीष शुक्ला जी की थी, वो हमको लेके गए यहाँ से। हमने बोला भैया हमें लाइफ केयर में एडमिट करा दीजिए, वहाँ पर ले गए, वो लोग बोले कि वहाँ एडमिट नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो लोग लेके गए हमें रीवा हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोगों को ऐसे ही पड़े रहने दिया, आशीष ने छोड़ा, और वहाँ पे हम लोगों का कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। ये लोग बोल रहे थे जब तक तुम लोग ये नहीं बोलोगे कि एक्सीडेंट हो गया है, हाँ उन्हीं के लोग जो आशीष शुक्ला नाम है उसका, जो छोड़ने गया हुआ था, यहीं रीवा के हैं। और वहाँ पे ले गए तो जब हम लोगों ने बताया कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, उन लोगों ने तब हमारा इलाज स्टार्ट किया है, बाकी वो पूरे हॉस्पिटल में उन्हीं के लोग थे, हम अपने घर वालों तक को नहीं बता पाए थे, हम लोगों का मोबाइल पूरा छीन के ले लिए थे। क्या सर घटना 16 तारीख को घटना हुई थी, 16 तारीख को ये नवीन तिवारी जी हमारे वकील हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक्चुअली हुआ था घटना के 3-4 दिन पहले विनय सिंह बघेल, ऐश्वर्य राज, पीयूष मिश्रा
और पवन द्विवेदी, ये हमारी साइड चलती है जोरी में, वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये लोग वहाँ पे धमकाने हम लोग को आए थे कि जिसका जिसका पैसा लगा है वो अपना दिन गिनना चालू कर दे, यहाँ कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इसी सिलसिले में नवीन तिवारी जी का परिचय उनसे भी था, मेरा भी था, वो मेरे अधिवक्ता हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया 16 तारीख को कि राकेश आ जाओ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है बैठ के मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। हम और ये मेरे मित्र जेपी भाई, इनकी फोर व्हीलर से ये मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास नवीन तिवारी जी के घर गए। वहाँ जब पहुँचे तो ऐश्वर्य राज बैठे थे वहाँ पे। तो हो गया वो, फिर हम लोग गाली गुप्ता देने लगे कि बहुत पैसे कमा लिए, बहुत गुंडागर्दी तुमको चढ़ गई है, बहुत पैसा कमा लिया, बताता तुम्हारी गर्मी उतारता हूँ। इतने में बात में हम लोग उलझाए रहे, इतने में ही विनय सिंह बघेल, पीयूष मिश्रा, पवन द्विवेदी ये पिस्टन लेके आ गए। तो मुझे विनय ने पिस्टन में कैप्चर कर लिया सर, पिस्टन में विनय और ये पवन द्विवेदी, और इस एक गाड़ी थी उस गाड़ी मुझे बैठा लिया। अब इनको सानू की गाड़ी है, होंडा की है CRV MP 17 CC 4686, उसमें इनको गन पॉइंट पर लेके और मतलब गाली फुद्दा एकदम माँ बहन की गाली करके और हम लोग को वहाँ से उठा लिए दिन दहाड़े सर। रास्ते में विनय सिंह ये बोला कि 20 लाख तुम दे दो तो छोड़ दूंगा तुमको। बोले भाई हमारे पास पैसे रुपए नहीं है। तो ये फिर वहाँ राजमहरी गार्डन है संजय नगर में, वहाँ ले गए और वहाँ अंदर ज़मीन मतलब खुले ज़मीन में और हम लोग के पूरे कपड़े उतरवा दिए सर, और अधाधुंध हम लोग के साथ मारपीट की, अधाधुंध सर, इतनी मारपीट की जिसका लाठी डंडा राड से जिसकी कोई हद नहीं। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि बोले कि जो जोरी में तुम्हारी साइड है उसमें तुम काम नहीं कर पाओगी, उसमें हरगेन सिंह दद्दू काम करेगा। और हरगेन सिंह दद्दू, अभी आपको ध्यान होगा ये जमानत में छूटा है, ये प्रयाग मरीज गार्डन में अभी उसके कारण एक अनिल विश्वकर्मा करके वो कुशवाहा, अनिल कुशवाहा फांसी लगा लिया था। तो ये सब अपराधी टाइप के, भूमाफिया टाइप के आदमी हैं सर। तो वो बोला कि 20 लाख रुपए मुझे दे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो वहाँ तुम कहाँ ये अब वही सर, कोई सर कोई ज़मीन का मामला नहीं, शुद्ध शुद्ध है कि पैसे कमाए हो मुझे दो, हाँ मुझे दो, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही हरगिंद परेशान करेंगे, अन्य लोग भी ऐसे परेशान करेंगे। तुम मिला हरगिंद क्या है, हरगिंद ही बताएंगे, उनसे पूछा जाए सर कि भाई उनका क्या रोल है, क्यों वो ऐसा करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा उन्होंने बताया है तो मुझे मामला यही लग रहा है कि हरगिन सिंह ही करवाए हैं पूरा, और ये लोग पूरा उनके मित्र यार हैं। उसके बाद ये मारपीट हुई तो जेपी भाई बोले कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बोले कि भाई इतना पैसा हम लोग तो वहाँ पे लगा दिए हैं करोड़ रुपए, और नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो बोले कि ठीक, वैसे तो नहीं मरोगे तो मर जाओ, इनको गोली मारा ये सट गए, नहीं तो ख़त्म हो जाते सर वहीं पर। पुलिस बयान लेने आई थी, हमने बयान भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो पा रही। पूरा सर, पूरा अपहरण करके सारा चीज़। इसके बाद सर उन्होंने धमकाया हमको, पिस्टल रख के वीडियो बनाया, नग्न अवस्था का वीडियो बनाया सर, और बोला कि अगर घर में बताओगे तो पूरा तुम लोगों के खिलाफ थाने में FIR करवा देंगे, और हम लोग की बहुत पकड़ है सर। अभी भी धमकियाँ देते हैं, आशीष शुक्ला धमकी दिलवा रहा है सर। उसके बाद बता रहा हूँ सर, फिर वहाँ से हम लोग को आशीष शुक्ला ही हॉस्पिटल लेके गया था, ये सब उनके मित्र ही हैं, और हॉस्पिटल ले जाके रीवा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हम लोग। बल्कि बोले कि यहाँ लाइफ केयर हमारे परिचय को वहाँ करवा दो, वहाँ ना करवा के इन्होंने रीवा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और इस बात से हम लोग की सर दवाई हुई कि तुम लोग एक्सीडेंट नहीं बताओगे तुम्हारी दवाई नहीं चालू होगी। मारने के बाद दवाई करवाना क्या होगी? अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा सर, ये मात्र दहशत फैलाना चाह रहे थे। और इन्होंने ये भी बोला है कि जब तुम साइड तभी चालू करोगे जब पैसा दोगे, नहीं तो तुम साइड नहीं कर पाओगे। ऐसा करके पूरा सर मतलब बहुत हम लोग दहशत में हैं सर। सुना आपने रीवा में किस तरह का गुंडा राज कायम है। एक तरफ जहां नेता अपने गुंडों के साथ मिलकर अधिकारियों की धुलाई कर रहे हैं, तो कहीं समाज सेवी पत्रकार पीटे जा रहे हैं, तो कहीं प्रॉपर्टी डीलरों का अपहरण कर खुलेआम गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब तालिबानी सजा देते हुए नाखून शरीर से उखाड़ दिए जाते हैं। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।